हेलो डियर फ्रेंड्स, इन द प्रीवियस लेक्चर इन द पार्ट वन वी न्यू अबाउट क्वेश्चन टैग, इट्स डेफिनेशन एंड हाउ इट इज यूज्ड इन डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट टाइप. नाउ वी विल मूव फर्दर. सी व्हेनेवर, नाउ इन दिस स्लाइड, in the slide number 2 you are able to see two things. Let me tell you, in this you are able to see the starting words of the sentence and their appearance in question tag, the ending one. Okay, and here these are actually the star. This I am. This is I am. I am not. It is. I am not. This sentence, third sentence starts with don't. So it is don't. It starts with let's. So it is let's. Okay. And whenever it starts with I am, the question tag, we add the question tag as aren't I. This is an I. If it starts with I'm not, that is I'm not, so that time it is am I. Okay, so ye hai uska reflection, ye hai uska question. ठीक है, तो ये सब बताने का actually motive एक ही था कि when the sentence starts with I am, it means it is affirmative. अगर affirmative है, I am not नहीं है, I am है, तो उसका question tag जो है वो negative बनेगा, aren't I बनेगा. So I am है, फिर amn't क्यों नहीं होता? So amn't नाम का कोई word नहीं है, aren't I लिखना पड़ता है, ये negative बन जाता है. फिर I am not अगर है, I am not in the right place. Am I? So am I is the actually question tag at the end by putting comma. So am I? ये I am not negative है, am I बन गया. ये affirmative बन गया. Now, अभी maybe you are confused in the sentence number 3. Sentence number 3 में आप confused हो रहे होंगे पढ़कर कि don't make any noise है, फिर ये do you क्यों नहीं है, do not से start हो रहा है, ये will you क्यों है? क्योंकि इस sentence में जैसे I से start हो रहा है, ये भी I से start हो रहा है, वहाँ पर क्या है? Subject है, doer of the action है, action करने वाला कोई वहाँ पर appear है. Are you getting me? I यानी कि subject. Here in the second one, I यानी कि subject. उसी को लेकर हम यहाँ पर I लिखा. But in this sentence, don't make any noise. It is not assertive sentence. ये दोनों के assertive है. यहाँ पर subject है, verb है, object है. यहाँ पर भी same subject है, verb है and object है. यहाँ पर कोई subject नहीं है. Don't make any noise. It is not assertive sentence. Sentence के type है, assertive sentence है. असर्टिव के दो टाइप है, एक है अफर्मेटिव, ये पहला वाला आप देख सकते हो, यू कैन सी द फर्स्ट वन, ये है अफर्मेटिव और ये है निगेटिव. असर्टिव के दो टाइप है, विधानार्थी वाक्य ऐसे बोलते हैं, स्टेटमेंट ऐसा बोलते हैं उसको. इट हैज टू टाइप्स, वन इज अफर्मेटिव, सेकंड वन इज निगेटिव. और दूसरा जो टाइप है वो इंट्रागेटिव, मतलब क्वेश्चन सवाल, डब्ल्यू एच वाला, और वर्बल यानी कि यस नो टाइप वाला. तीसरा जो टाइप है वो है एक्सक्लामेटरी, और चौथा यानी कि ये जो हम देखने वाले हैं अभी, दिस वन, इन्हें हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं. इम्परेटिव सेंटेंस में भी दो तरीके के है, वो है नेगेटिव और एक है अफर्मेटिव. डोंट मेक एनी नॉइज, यहाँ पर निगेटिविटी है, नॉट है, और लेट्स गो टू फ्रांस, इसमें अफर्मेशन है, इसे अफर्मेटिव कहेंगे उसी इसमें. सो
नाउ अगर सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता हो रहा है तो उसी सब्जेक्ट या फिर उसी सब्जेक्ट का जेंडर हमें यहाँ पर लिखना पड़ता है यहाँ पे, बट हियर वी डोंट हैव एनी सब्जेक्ट. द सेंटेंस स्टार्ट विथ वर्ब डायरेक्टली, इट मीन्स इट इज इम्परेटिव सेंटेंस. इम्परेटिव सेंटेंस से स्टार्ट हो रहा है, डोंट मेक एनी नॉइज, इट इज निगेटिव. तो कोई भी अगर इम्परेटिव सेंटेंस है, अगर इम्परेटिव सेंटेंस है वो चाहे निगेटिव हो या फिर अफर्मेटिव हो, वी हैव टू यूज विल और शॉल. नाउ डोंट मेक एनी नॉइज, ये किसी दूसरे आदमी को कहा गया है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देर इज अ टीचर, एक टीचर है, टीचर क्लास में आ गए और टीचर बच्चों को कह रहे हैं कि डोंट मेक एनी नॉइज. ओके, कोई भी चिल्लाएगा नहीं, कोई भी नॉइज नहीं क्रिएट करेगा. सो इट इज यू, आपको, आप अगर स्टूडेंट्स हो तो यू, यू, ओके, यू आई इज द एक्चुअली हियर द सेकंड पर्सन, सो दैट इज व्हाई विल यू इज द आंसर. ओके, नाउ लेट्स गो टू फ्रांस, लेट्स गो टू फ्रांस. इन दिस सेंटेंस अगेन देयर इज नो सब्जेक्ट, दैट इज व्हाई लेट्स गो टू, लेट अस, ओके, लेट अस, दैट मीन्स लेट्स. यहाँ पर वी क्यों है, यू क्यों नहीं है, बिकॉज यू एस, लेट अस, अस इज देयर, लेट अस, चलो फ्रांस जाए, इसका मतलब मैं भी साथ में हूँ और आप भी साथ में हो, हम सब मिलकर फ्रांस जाए, ऐसा है, इसलिए ये शॉल वी लिखा है. आई होप यू आर गेटिंग मी. सो लेट अस टर्न टूवर्ड्स द next slide. Now friends, यहां पर क्या है ये स्लाइड में, ये पहले बता देता हूं मैं. यहां पर आप देख सकते हो we have to match this in the, मैं इसको नाम दे देता हूं, just a minute, इसको नाम देता हूं A, और इसे नाम देता हूं मैं बी. ओके, बी. सो ये है अपना कॉलम ए और ये है अपना कॉलम बी. कॉलम ए में क्या है, व्हाट इज देयर इन कॉलम, यहां पर कुछ सेंटेंसेस है. कॉलम बी में क्या है, क्वेश्चन टैग्स है. ये क्वेश्चन टैग्स हमें पहचानना है कि इन में से, इन 10 सेंटेंस में से किसके पीछे लगेंगे, किसके एंडिंग में लगेंगे, किसके लास्ट में लगेंगे. I hope you are getting me. We have to match the correct question tag to the sentence in column A. The question tags are given in column B and the sentences are given in column A. So first one is done for you. Her dad works for TAP. TAP, maybe it is the name of company. Her dad works for TAP. Now the answer is given here, that is D, that is doesn't he. Why doesn't he? Because works है, simple present tense है, works है, इसलिए does. S है subject को, इसलिए does. और ये जो sentence है, it is not negative, it is affirmative. तो affirmative है, तो उसका question tag बनेगा negative, that is why doesn't. And her dad, gender है male, that is why he. And then after question mark. Okay. Now, let us talk about second one. Her mom is a lawyer. Her mom is a lawyer. Her mom. Focus on subject. Her mom. Focus on verb. Is a lawyer. After that, there is comma. ये sentence जो है पूरा का पूरा sentence. ये sentence अफर्मेटिव है. इसका मतलब इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका क्वेश्चन टैग बनेगा निगेटिव. इज है, इजंट कहां पर है, देखो ये है इजंट एक ही इसमें. हर मॉम, जेंडर है फीमेल, दैट इज वाई देर इज शी, थर्ड पर्सन का इस्तेमाल करना पड़ता है हमें, इजंट शी.
सो ओके सो दैट इज द आंसर. तो जे इज द आंसर हियर. क्या आंसर है इसका? जे आंसर है. नाउ नेक्स्ट वन इज शी हैज गॉट टू सिबलिंग्स. ये अपोस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब हैज है. शी इज भी हो सकता है पर यहाँ पर गेटिंग नहीं है. शी हैज गॉट टू सिबलिंग्स. ओके नाउ माई फ्रेंड्स, सबसे पहले देख लो कि सेंटेंस अफर्मेटिव है कि निगेटिव है. अफर्मेटिव है. नो नॉट नेवर का कोई यूज हुआ ही नहीं है, इसका मतलब अफर्मेटिव है. अफर्मेटिव है तो, और दूसरा इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन टैग लगेगा निगेटिव. अभी इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब है क्या? है, हैज है. तो हैज है तो हैजंट कहा है, हैजंट शी ये कहाँ पे है? देखो यहाँ पर ऑलरेडी थर्ड पर्सन है. हैजंट शी, हैजंट दिस वन एच. तो योर आंसर इज एच, हैजंट शी. ओके नाउ द नेक्स्ट, आई एम गोइंग विथ यू. ये भी सेंटेंस जो है ये पूरा का पूरा सेंटेंस है अफर्मेटिव, निगेटिव नहीं है. तो आई एम का क्या बनता है? एम का बनता है आर, और ये अफर्मेटिव है तो आर बनेगा आरंट, दैट इज आंट. और आई, आंट आई कहाँ पर है? तो ये है आंट आई सी, और आंसर इज सी. यू डोंट नो हिम. नाउ माई फ्रेंड्स, we have seen all the four sentences are in affirmation. This sentence has negativity, that is don't. Okay, do not. You don't know him. यहाँ पर already helping verb है, ये negative है, इसका मतलब इसका जो question tag बनेगा वो बनेगा affirmation में. Okay, do you. Okay, do you कहाँ पर है? E है, इसके answer है E, do you. Okay. Now, next one. We didn't see Jake. This sentence also has negation. Did not. That is didn't. Okay. We didn't see Jake. तो इसमें भी negation है, negativity है. इसका मतलब ये है कि इसका भी जो क्वेश्चन टैग हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा अफर्मेशन में. डिड वी इज द राइट आंसर, बिकॉज दिस इज द हेल्पिंग वर्ब डिड, और यहाँ पर ऑलरेडी प्रोनाउन यूज किया है, वही प्रोनाउन हमें यूज करना है यहाँ पर, डिड वी. ओके सो सी वेयर डिड वी इज यूज्ड. ओके तो डिड वी का इस्तेमाल कहाँ पर किया है ये पहले जान लेते हैं. डिड वी, यस दिस इज आई, so I is the right answer. Okay. Seventh, he left early. Now this sentence is affirmative again. ये जो sentence है वो है affirmative, और this sentence is in simple past tense. Because this left is the second form of leave. Leave, L-E-A-V-E. Leave का ये second form है left. तो अगर ये past में है तो, और second form of the verb है तो इसका मतलब did का इस्तेमाल करना पड़ेगा. ये affirmative है तो did becomes did not, that is didn't, और he. Didn't he. ये कहाँ पे है? ये है B. इसका answer है B. तो अपना question tag बनेगा. He left early. Didn't he? They will share it. Okay. They will share it. Now this sentence is affirmative. Will becomes won't. And they is already there. So they will share it. Won't they? Won't ka aap hai? Ye yahan par hai. F. So the answer is F. I haven't told her. No, haven't, have not. ये नेगेटिव है तो इसका जो ये बनेगा स्टेट व्हाट वी कॉल. सो दिस सेंटेंस इज विथ निगेशन, हैव नॉट. तो इसका ये जो बनेगा
क्वेश्चन टैग जो बनेगा वो बनेगा अफर्मेशन में. सो हैव आई, हैव आई इज द राइट आंसर. तो हैव आई कहाँ पे है? ए है, यहाँ पर अपने आंसर आएगी ए. ओके नाउ सी मिसेस हर मॉम, शी मिसेस हर मॉम. ओके मिसेस एस लगा है, देखो मिसेस एस, मिस मिसेस ई एस. ओके फोकस हियर, आई मिस यू. ओके और मिसेस ई एस लगा है मिस को, इसका मतलब ये सेंटेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है विथ ई एस, तो डस का इस्तेमाल होगा इसमें क्वेश्चन टैग में. और ये सेंटेंस है पूरा का पूरा व्हाट यू कॉल दैट असर्टिव एंड अफर्मेशन में, तो निगेशन लगेगा. तो डजंट शी इज द राइट आंसर एक्चुअली हियर. सो डजंट शी कहाँ पे है, डजंट शी इज जी. सो योर आंसर इज जी. ओके सो इन दिस वे वी हैव सॉल्वड ऑल. नाउ वन टास्क, आई एम गिविंग वन टास्क फॉर यू, का आपको करना क्या है. यू जस्ट गेट द स्क्रीन शॉट ऑफ दिस एंड ट्राई एट योर होम ऑल द 10. ओके ट्राई एट योर होम, गेट द स्क्रीन शॉट ऑफ दिस एंड ट्राई ऑल 10 एट योर होम. नेक्स्ट स्लाइड. नाउ फ्रेंड्स यहां पर अभी ध्यान देना है आपको, यहां पर कुछ सेंटेंसेस है इन दिस स्लाइड, देर आर सम ऑफ द सेंटेंसेस विथ मिस्टेक. कुछ सेंटेंसेस, कुछ सही भी है कुछ गलत है, तो आपको वो गलतियां जो है वो फाइंड करनी है. यू हैव टू फाइंड आउट द मिस्टेक्स एंड you have to cross it, you have to cross that particular mistake and then you have to write the right word, you have to write the right word below, above of that particular mistake. Okay, jaise ki main ek aapke liye karke de raha hu, just a minute. She doesn't know you, does she? To ye to sentence correct hai. She asked for your help, don't she? ये sentence गलत है. She asked, this one. She asked for your help. Asked यानी कि second form of the verb, ed लगेगा, ed लगा है. और past है, तो इसका मतलब है यहाँ पर don't नहीं लग सकते, यहाँ पर क्या लगेगा? Did लगेगा. इसका जो right answer है वो है didn't. She तो already लिखा है, you can write that too also. Didn't she? Okay. Didn't she? ये हो गया right answer. तो आपको ये जो 14 sentences दिए है इनमें देखना है कि गलतियां कहाँ पर है, और वो गलतियां जो है pick करनी है, cut करना है. And you have to write it at your notebook. And my friends, it is your assignment. Okay, I am telling you, it is your assignment. So, ये एक assignment है. इसके पहले जो मैंने दिया था, उसका भी screenshot ले लो. वो एक assignment है. Write all this in your notebook for English. Assignment book में लिखना चालू कर दो. ये आपका assignment है. पहली जो slide है, वो भी आपकी assignment है. ये भी आपकी assignment है. Just get the screenshot of the screen and start it. So, let us move on. अभी जानेंगे कि कुछ interesting सवाल. तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप अपने मन में ठान लो कि ये answer हो सकता है. I am happy के बाद में कौन सा क्वेश्चन टैग इस्तेमाल होने वाला है. एनी गेसेस? तो गेसेस, गेस इट एंड ट्राई टू गिव द आंसर टू यू ओनली. इजंट इट, आंट आई, एम आई,
What is the answer? My friends, the answer is, I know some of you got the answer too. I am का इस्तेमाल किया हुआ है यहाँ पर I am और am becomes are here in this portion in question tag portion. ये जो पूरा का पूरा sentence है it is actually affirmative तो aren't बनेगा are not बनेगा that is aren't और I is already used here तो this is the second one is the right answer that is I am happy aren't I that is. चलो अभी नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव होते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस यू आर माय फ्रेंड आरंट यू आर यू डू नॉट यू ये आरंट यू ये यू इधर है दिस इज दिस यू इज हियर एक्चुअली ओके ये क्वेश्चन मार्क है क्वेश्चन मार्क इसके अंदर छिप गया है ठीक है ये डैश 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 You are my friend. Are is there? This sentence, this entire sentence is affirmative. Iska jo question tag banega, wo banega negative mein. Are hai, aren't banega. You already hai, aren't you? Missed first one is the right answer. That is aren't you. Ye jo hai, aren't you is the right answer. Okay, let us move on. Next one. You can't dance. You can't dance. Can't means cannot. It means it is negative. तो question tag जो बनेगा वो बनेगा affirmative. Already can is auxiliary verb. तो third one is the right answer that is ये वाला. This is the right answer. Can you? You can't dance, can you? Okay, that is the right answer. मतलब तुम डांस नहीं कर सकते हो ऐसा वो सवाल है. Next, I'm not that old. मैं उतना old नहीं हूँ. मैं उतना भी क्या कहते हैं उसे बूढ़ा नहीं हूँ old नहीं हूँ. और यहाँ पर I am not. Okay, I am not. Negation है, negativity है. So, your answer is am I. I am not that old. Am I? मैं उतना भी old नहीं हूँ. क्या मैं हूँ? ऐसा वो सवाल है. Okay. Next. She will phone soon. मतलब वो जल्दी ही call करेगी. नहीं करेगी क्या? ऐसा वो सवाल है. सो शी विल फोन सुन. ओके शी विल फोन सुन. एज आई ऑलरेडी माय फ्रेंड्स आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट सच टाइप ऑफ अ सेंटेंस. माय फ्रेंड्स हियर यू हैव टू बी वेरी क्यूरियस यू हैव टू वेरी फोकस ऑन इट. ऑलरेडी ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड. ये विल जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब है और सेंटेंस जो है पूरा का पूरा ये पूरा का पूरा सेंटेंस जो है वो है असर्टिव सेंटेंस. ओके सो असर्टिव सेंटेंस अफर्मेशन में है. ऑक्सिलरी वर्ब इज ऑलरेडी यूज्ड. विल है वोंट बनेगा इसका. शी इज ऑलरेडी गिवन. सो योर आंसर इज माय फ्रेंड्स दिस इज वोंट शी. ओके दैट इज योर आंसर. दे प्लेड गेम्स. दे प्लेड प्लेड ईडी वर्ब फोकस करो. फोकस ऑन ईडी पर फोकस इसलिए करना है क्योंकि ये है अपना रेड वन. लेट मी टेक द रेड इन ईडी. ओके हमने ईडी पर फोकस इसलिए करना है क्योंकि ये है वी टू. ओके सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. ओके इज द फॉर्मूला फॉर सिंपल पास्ट टेंस. अगर सिंपल प्लस पास्ट टेंस में कोई भी सेंटेंस है ओके और ये अफर्मेटिव है तो डिड लगेगा. अफर्मेटिव है तो डिड नॉट बनेगा. अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन ही है तो वही ले लो. दे प्लेड गेम्स. डिड दे. सो डिड दे इज द राइट आंसर. दिस सेकंड वन. सॉरी लास्ट वन. दिस इज डिड दे. दैट इज द राइट आंसर.
नेक्स्ट शी इज एंग्री शी इज एंग्री शी इज एंग्री शी इज एंग्री का मतलब है शी इज एंग्री ओके इज ऑलरेडी यूज कि ये जो सेंटेंस है ये पूरा का पूरा सेंटेंस कि जिसमें नो नॉट नेवर जैसा निगेटिविटी वर्ड यूज ही नहीं किया है शी इज एंग्री इज नॉट शी इजंट शी दैट इज द राइट आंसर ये इसका मतलब ये थर्ड वन इज द राइट आंसर इजंट शी ओके नेक्स्ट यू विल फॉर यू लिव इन पैरिश सो पैरिश Paris. Okay. So you live in Paris. Actually, it is the name of country you live in. Paris. Let me tell you. Okay. So you live in Paris. Now in the sentence, it is assertive. There is no negative mark, negative word like no, not, never. So actually, it is a simple present tense. जिसमें हमें डू या डज का इस्तेमाल करना पड़ता है तो यहाँ पर लिव्स नहीं है लिव है ओके इसका मतलब डू का इस्तेमाल करना पड़ेगा ये जो सेंटेंस है वो है अफर्मेशन इसका मतलब डोंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा सो डोंट यू इज द राइट आंसर सो दिस वन हैज टू बी पुट हियर ओके नेक्स्ट It is not raining. It is not raining. It isn't raining. Okay. Is it का मतलब है is not. It isn't raining. Let me tell you again. Okay. Focus on this isn't. It isn't raining. Now my friends, अगर सेंटेंस पूरा का पूरा अफर्मेशन सॉरी निगेटिविटी है नॉट है यहाँ पर ऑलरेडी इस्तेमाल किया है इज तो इज को यहाँ पर लिख लो पहले और देखो कि प्रोनाउन क्या है इट है तो इट इज इट इज इट यहाँ पर है क्या है ये वाला आपका आंसर है ठीक है आई होप यू आर गेटिंग मी द लास्ट लास्ट सेंटेंस द लास्ट एग्जांपल जस्ट अ मिनट लेट मी ओके वी हैव हैड फन ओके ये अपोस्ट्रोफी वी ई का मतलब है हैव तो एक्चुअली सेंटेंस इज वी हैव हैड फन ओके नाउ इट इज ब्लैंक ये सेंटेंस पूरा का पूरा है अफर्मेटिव नो नॉट नेवर का इस्तेमाल ही नहीं किया है तो सबसे पहले हैव का हैव यहाँ पर लिख दू ये हमने लिख दिया हैव अफर्मेशन है तो इसको हैव को हैव नॉट कर दो इसका मतलब हैवंट कर दो ये वी ऑलरेडी है इसका मतलब यहाँ पर वी लिख दो haven't we कहाँ पर है ये देखो ये दूसरा वाला haven't और ये वी अंदर छिपा है इसके ऐसे निकला हमने haven't we okay that is the right answer so your sentence is we have had fun haven't we so my friends in this way all the sentences are over here Grammar is part of fun. If you do so seriously, one exercise, two exercises actually are for you. This is exercise number one. ये पहली exercise है आपके लिए ये exercise नहीं assignment है आपके लिए ये assignment number one. इसको assignment number one दे दो और ये 10 के 10 मुझे चाहिए आपके notebook में लिखे हुए और यहाँ पर मुझे answer चाहिए यहाँ से कौन सा यहाँ पर आएगा वो मैंने पहले ही बता चुका है बताया है आप अपना दिमाग लगाकर और एक बार ट्राई करें ठीक है और एक बात यस ये भी मैंने पहले ही बताया है कि यहाँ पर कुछ मिस्टेक वाले सेंटेंसेस है जैसे कि ये वाला एक मिस्टेक मैंने बताया था ये राइट है ये मिस्टेक वाला है ये जो है ये गलत है ओके तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पर रहेंगे सेंटेंसेस रहेंगे जो कि जो मिस्टेकन है तो आपको देखना है कि मिस्टेक कहाँ पर है उसे उस मिस्टेक को ऐसे 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 कट करना है और ये मिस्टेक
आपको एक तो अगर जगह है तो इधर लिख दो, या फिर इस सेंटेंस को ही दोबारा लिख लो, नो प्रॉब्लम, ओके, इट इज अप टू यू. सो दिस इज योर असाइनमेंट, सो गेट द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड राइट इट इन योर असाइनमेंट बुक. विद दिस विस्ट ऑफ योर, आई होप यू गॉट वॉट इज क्वेश्चन टैग और क्वेश्चन टैग को कैसे सॉल्व किया जाता है. ये पार्ट वन में भी मैंने बताया था, पार्ट टू में भी बताया है, पार्ट टू में कुछ एक्सरसाइज है और ये आपको अपने असाइनमेंट बुक में लिखना है. ठीक है, विद दिस वी स्टॉप हियर. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन डू आस्क इन कमेंट बॉक्स.